तो सुस्वागतम दोस्तों आपका फिर से। अरे भाई हमने कर दिया है बहुत ज़्यादा अपग्रेड 100%। तो चलिए हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो अभी हमने गेम स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम आपको एंट्री से दिखाते हैं कितनी भीड़ और कितनी ज़्यादा ही भीड़। क्योंकि गाइस इधर से अभी नहीं दिख रहे ना, रुको थोड़ा देर सबर करो, देखो आ गए ना बहुत लोग आते हैं गाइस। हर एक सेकेंड में लोग बढ़ते जाते हैं, हर वक्त बढ़ते आते हैं लोग। तो अभी हमने इस शुभ नवरात्रि के अवसर में हमने और भी कुछ नए नए काम किए हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यस 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 जी हाँ गाइस, आप लोग तैयार रहना। तो अभी हम इधर जा रहे हैं कि हम पंडित जी, हमने तो दो पंडित जी को हायर किया और इधर हमने अपने अपग्रेड पे अपग्रेड कर दिया, एकदम नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड किया है। जूता रखने वाला भी सोचिए गाइस, हमारे रामू काका पंडित और श्यामू काका पंडित ने भी बहुत अच्छे से काम किया, जिसके वजह से हमने ये और भी ज़्यादा हमने अपग्रेड मतलब अच्छे तरीके से हमने ये निभाने की कोशिश की है गाइस। तो कैसा लगा ज़रा आप बता देना। चलते हैं हम ज़रा दूसरे पंडित जी से मिलाने जो है। रखने के लिए राहुल पंडित जी और शुभम पंडित जी को भी हमने बुलाया है, जो भी अपने किरदार अच्छे तरीके से निभा रहे हैं राम जी के लिए, और हमने इनके आज ज़रा मदद कर दे। ज़रा सा ये थोड़ा सा दुविधा में है क्योंकि लोग तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसलिए हम भी ज़रा सा मदद कर देते हैं गाइस कभी कभी। तो लाइक शेयर ठोक दीजिए, मजाक कर रहा हूँ, न ठोकना, ठोक देना यार क्या कर सकते। तो अभी हम और थोड़ी सी मदद कर दी है, इनको नारियल भी चढ़ा दिया है, बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ की कमी नहीं है गाइस। तो आप भी ज़रा आइए राम दर्शन की विजिट करके आइए गाइस। तो यहाँ राम मंदिर से कोई भक्त भूखा ना जाए, इसलिए हमने भंडारा भी खोल के रखा है, जिसके बांटने के लिए राकेश पंडित जी और बिपिन पंडित जी, और इधर पप्पू राकेश और हलवाई वाले भैया जिनका नाम है प्रवीण, ये सब काम कर रहे हैं श्री राम जी के लिए। तो गाइस तालियां तो हो जानी चाहिए इनके लिए भाई, एक लाइक हो जाना चाहिए। उसके बाद से हम भंडारा तो दे रहे हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे क्योंकि अभी अभी सुबह का टाइम है गाइस, सच बोल रहा हूँ सुबह के टाइम में, वरना इस टाइम पे ऐसी भीड़ रहती ना, अरे क्या ही बताना आपको, भंडारे के टाइम पे इतनी भीड़ रहनी, हम खुद कम पड़ जाने भैया क्या क्या देना मतलब। फिर भी आज थोड़ी सी भीड़ कम है, जब आएगी तो हम आपको दिखा देंगे वीडियो करके, लेकिन अभी जितने लोग आए हमने उनको भंडारा दे दिया। देखो अभी अभी धीरे धीरे भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, और हमने पीछे आपको कुछ दिखाया नहीं, दिखा तो नहीं ना, तब ठीक है गाइस, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज ही है। इधर से राम जी की एंट्री चारों जगह से, पांचों जगह से खुली हुई है, और ये पहला है, आप देख लीजिए उसको कितना अपग्रेड किए। अंदर जाने का नहीं दिखाएंगे, अंदर का तो इसको एकदम लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि आपको दर्शन करवाना है गाइस। एक बार देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल अयोध्या जैसे तो नहीं, लेकिन उनके जैसे करने की हमने पूरी क्षमता मतलब गेम वालों ने जैसे कोशिश की है, हमने भी उसके अंदर एकदम अच्छे से अपग्रेड किया वाला है, तो हो जाना चाहिए। उसके बाद से हमने इधर ध्यान स्थल बनाया है, जहाँ पर लोग अपने आके ध्यान कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसको ध्यान करना है तो इधर आने का, और उसके बाद से इधर हवन कुंड है, श्री राम जी के बाद जो भी हवन होता है सब इधर होता है, लोग आराम से आके हवन करते हैं, श्री राम जी का नाम लेते हैं और जाते हैं। इधर कोई भी श्री राम जी का नाम कोई भी आता है, सब कोई श्री राम जी का नाम लेके जाता है। और इधर श्री लक्ष्मण जी का हमने एक बहुत बड़ा प्रतिमा किया वाला है, वो भी सोने का। उसके बाद से इधर आते हैं थिएटर के अंदर, जहाँ पर हम हनुमान जी के बारे में मतलब रामायण के बारे में हम थिएटर बना है, जिसको हम दिखाते हैं सारे भक्तजनों को। सारे भक्तजनों को टेंशन ना होने दे भैया, हमने तो पूरी क्षमता यही की है कि किसी को टेंशन ना हो जाए यार। अभी धीरे धीरे लोग फिर से आ रहे हैं, तो हम आपको फिर से दिखाएंगे। हमने शायद से आपको शुरुआत से दिखाया नहीं, लेकिन वो शुरुआत थी। और इधर आ गए हम नवरात्रि के स्पेशल अवसर पे। जी हाँ गाइस, इधर है सबसे बढ़िया चीज़, नवरात्रि का स्पेशल है, इसलिए हमने आपको नवरात्रि का स्पेशल के लिए हमने ये चीज़ दिया है, माँ दुर्गा माता, और उनके बाद से उनके बाजू में श्री हरि विष्णु देव जी का, उसके बाद उनके बाजू में हर हर महादेव जी का भी हमने किया है, और उनके बाजू के मतलब माता जी के इस साइड में हमने हनुमान जी का और श्री गणेश देव जी का भी हमने स्थापना की है, जहाँ पर अपने भक्तजन आके सबका दर्शन करके जाते हैं। जी हाँ गाइस, तो आपको भी दर्शन कर लीजिए, आपको मौका तो मिल गया यार अयोध्या घूमने का, हमने आपको बैठे बैठे अयोध्या घुमा दिया पूरा। इधर आते हैं लोग अपने नवरात्रि का जश्न मनाते हैं, अपना लोग आते हैं, हमने डीजे कितना लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाओ गाइस, आप गिनते ही रह जाओगे, टेंशन ना लो, गिनते जाओ, फुल व्यवस्था है। आप भी आओ ज़रा, डांडिया विंडिया सब फ्री दे रहे हम, हाँ तो फिर फ्री दे रहे भैया। अब हमको लगता है हमको आपको दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए हम आपको बताएं।
थिएटर के अंदर गाइस। जी हाँ, हमने शायद से आपको पूरी वीडियो दिखाई नहीं रामायण की यार, तो मेरे हिसाब से देख सकते हो आप पूरी रामायण की कथा, हमने शॉर्ट नहीं किया वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग आनंद लीजिए, उसके बाद से देख लीजिए गाइस आप भी। श्री राम जी का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड एंड तक है, हम आपको शायद से मतलब हमने इतना अच्छा थिएटर नहीं बनाया लेकिन ठीक ठाक बनाया है गाइस, तो इसके बारे में बताइए कैसा बना है कमेंट में कर दीजिए गाइस। उसके बाद से शायद से वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ गाइस, तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। ये देखिए गाइस, आपको हम दर्शन भी करा देते हैं श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की। ये देख लीजिए गाइस, यही राम लला की वही एक मूर्ति है। उसके बाद से बाजू में हमने श्री हनुमान जी की मूर्ति रखी है, और उनके बाजू में इधर लोग आके दर्शन करते हैं, उनके बाजू में हमने श्री गणपति जी के हर हर महादेव जी के बेटे की स्थापना की है। इधर लोग आते हैं, अपना प्रार्थना करके जाते हैं, अपने दुख दर्द सुना के जाते हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए गाइस, आपको शायद से ये दोबारा मौका ना मिले, आपको फिर उधर जाके ही दर्शन करना पड़ेगा। हाँ गाइस, इसके बाद से हम चलो, इसके और भी फ्लोर है, ये एक ही फ्लोर नहीं है गाइस, इसके ऊपर भी फ्लोर है जहाँ पर हमने श्री पूरे भगवान जी राम जी लक्ष्मण जी हनुमान जी और सीता मैया का भी स्थापना किया है। आप बहुत खुश नसीब है जो आपका दर्शन मिल रहा है, नहीं तो हम शायद से खुश नसीब है जो हम आपके दर्शन करा रहे हैं। तो लाइक कर देना, आपकी मर्जी भाई। आप इधर गणपति जी की मूर्ति है और उस साइड में श्री हनुमान जी की मूर्ति है, इधर लोग और अच्छे से दर्शन करके जाते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी ये अपग्रेड कैसा लगा गेम के अंदर, कि हमने मतलब किस तरीके से अच्छे से किया वाला है। आगे भी अगर कोई अपडेट आया तो अगर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि का था तो इसलिए हम आपको दिखाए। देखो गाइस, इधर भंडारे में लोग आ गए। देखो अभी बोला था ना, कभी कभी इतने लोग आते हैं कि हमारे सारे भैया लोग पंडित लोग भी थक जाते हैं देते देते, तो अभी भी तो बहुत कम है, सारे पांचों के चारों के चारों लाइन भर जाते हैं और रसोइया वाले प्रभु भैया भी बनाते बनाते थक जाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने इधर तक हमारी वीडियो देखा, तो गुड बाय, आपको अगली बार फिर से